अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो मैंने ये बनानी तो नहीं थी क्योंकि मैं इस पर पहले ही काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये कल फ़ोन लॉन्च होने जा रहा है 21 सितंबर को ऑफिशियली। तो इसकी ऑफिशियल प्राइस निकल कर आ चुकी है जो कि 20,600 के करीब होने वाली है, और ऑफलाइन मार्केट में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 20,000 तक ये फ़ोन आपको पाकिस्तान में मिल ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको जो बताना ज़रूरी थी वो ये है कि इस वाले फ़ोन में आपको 6000 mAh की बैटरी नहीं मिलने वाली और ना ही 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। बहुत सारे दोस्त ये फोन वेबसाइट के जरिए देख के वेबसाइट पर से स्पेसिफिकेशन देखकर बाय करने चले जाएंगे। तो मैं आपको एडवांसली बता दूं, इसमें 5000 mAh की बैटरी है और 10 वोल्ट का नॉर्मल चार्जर आपको मिलेगा जो कि 100% कंफर्म है। जबकि काफी फेमस वेबसाइट जो कि पाकिस्तान की है व्हाट मोबाइल, उन्होंने ये 6000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग अभी तक लिस्ट की हुई है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, आप बिल्कुल वेबसाइट के जरिए स्पेसिफिकेशन देखकर मोबाइल बाय करने मत जाया करें, क्योंकि बहुत सारी स्पेसिफिकेशन आपको वो वाली मिल ही नहीं रही होती जो कि आपको वेबसाइट ने बताई होती है। तो आप YouTube पर सर्च करके भी वीडियोस देख लिया करें। ये फोन कल को लॉन्च होने जा रहा है और 20,600 की प्राइस में बहुत ही अच्छा फोन है, 5000 mAh की बैटरी और 10 वोल्ट के नॉर्मल चार्जर के साथ भी, क्योंकि इसमें आपको चिपसेट अच्छा मिल रहा है, बैटरी ठीक ठाक लगाई गई है और इसके अलावा आपको 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज मिलती है। इस फोन के अंदर आपको 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, काफी बड़ा डिस्प्ले है, 720 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ है, और कॉर्निंग ग्रीला ग्लास की सपोर्ट भी आपको मिल जाएगी जो कि अभी कंफर्म नहीं है कौन सा ग्लास होने वाला है। 4 GB की रैम है, 64 GB की स्टोरेज, अमेजिंग किस्म का ये फोन होगा। और साथ में आपको जो चिपसेट मिल रहा है वो मीडियाटेक का G70 वाला है दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और आपको इसमें ऑक्टाकोर का CPU देखने को मिलेगा। बैक पे आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे सर्कल के अंदर, जिसमें मेन कैमरा 16 MP का है और बाकी के 3 कैमरे 2-2 MP के हैं, और फ्रंट पे 8 MP की सेल्फी है। मैक्रो USB वाला इसमें आपको चार्जर मिलेगा, ना के टाइप सी दी गई है क्योंकि फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट ही नहीं है इस फोन में। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन के अंदर आपको कैमरा के नीचे ही देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला टेक्नो का फोन काफी ज्यादा किल कर सकता है रियलमी और रेडमी को, क्योंकि इसमें 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज है, जबकि रियलमी C3 में 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज मिलती है, जबकि चिपसेट सेम यही वाला है। तो ये एक नए डिजाइन के साथ आया, आप इसको बाय कर सकते हैं। तो जो इसकी ऑफिशियल अभी लॉन्च होने के साथ ही प्राइस है वो 20,600 होने वाली है, और 1-2 मंथ में आपको इस पे डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 18-19 हज़ार में ये फोन आ जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपटीशन पाकिस्तान में बनेगा और बजट रेंज के अंदर आपको काफी तगड़े फोन मिलेंगे कम प्राइस के साथ। तो ये एक तरह की अपडेटेड वीडियो थी, कल को इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, लॉन्च वगैरह हो जाएगा, और ऑफलाइन स्टोर पर तो ये पहुंचा दिया गया है, आप जाकर बाय कर सकते हैं। ऑफलाइन स्टोर्स पर ये आ चुका है जो कि काफी फेमस, अगर आप मार्केट में विजिट करते हैं तो आपको ये ऑफलाइन मार्केट में से फोन इजीली मिल जाएगा, जिसकी प्राइस आपको 20,600 वो बताएंगे। तो डिस्काउंट वगैरह आपको दे भी सकते हैं, ये तो मार्केट पर डिपेंड करता है कौन सी मार्केट से आप मोबाइल बाय कर रहे हैं। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट हर आने वाली वीडियो मिल सके मोबाइल्स के रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।